हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट वन। थोड़े मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स नू कंटिन्यू करते हुए बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रही है, टूल्स एंड द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बारे हुण तुसी इंट्रोड्यूस हो चुके हो कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है जिन्हें आप फॉलो करते हैं। अ नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज टू सप्लाई द इन्फॉर्मेशन। हूँ देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पज की है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना टू द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है तो मैनेजमेंट ओदे बेस से ही अपने डिसीजन लेंदी है, ओदे बेस से अपने सारे अगले स्टेप्स करती है। तो ये बहुत सारे टूल्स ने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे विच फॉलो किए जाते हैं। नंबर वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। देखो बेटे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे विच आंदा है कि हाउ टू रेज फंड। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलती है तो और उस ऑर्गेनाइजेशन का विच मेन सोर्स होंगे फाइनांस। सोर्स ऑफ फाइनांस जरूरी है। अगर अपन फंड्स उन्ने ही जरूरत है जी, अगर आप कोई भी काम करना है तो फंड्स की अपन बहुत ज़्यादा जरूरत पैंती है। तो फंड्स किमें रेज होंगे, आप फंड्स किमें अरेंज करने हैं, ये सारा डिसीजन कि फाइनेंशियल पॉलिसी के। ठीक है, तो फाइनेंशियल पॉलिसी के विच ये डिसाइड किया जाता है कि जो फंड्स रेज करने हैं वो इशू ऑफ कैपिटल के नाल रेज किए जान या लोन लिता जाए। ठीक है, कंपनी लोन लेके अपने फंड्स नू रेज करे या कंपनी शेयर कैपिटल के थ्रू अपने फंड्स नू रेज करे। इहदे लई डिसीजन लेना कि आइदर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ और सॉरी शेयर कैपिटल और रेजिंग लोन। ठीक है, तो हुण शेयर कैपिटल दे और लोन दे विच अगर आप डिसाइड कर लैने तो फर्दर अगे शेयर कैपिटल दे भी डिफरेंट टाइप है, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, कि आप कि शेयर नू देना चाहवांगे, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये सारे डिसीजनस फाइनेंशियल पॉलिसी दे विच लिते जांदे ने और इहदे लई मैनेजमेंट आपां नू हैल्प करदा है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुहानू हर कोई भी कैपिटल आपां रेज करनी है उहदे लई तुहानू की एक्सपेंसिस पैणगे, तुहानू किन्ना जिहड़ी कॉस्ट पऊगी, ये सारा कुछ आपां नू मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पता लगता है, उहदे तों ही असीं डिसीजन लै सकदे हुंदे हां। सैकेंड डिसीजन आपां लैणा हुंदा रेजिंग द लोनस, लोनस दे थ्रू भी कि लोन शोर्ट टर्म होना चाहिए या लोंग टर्म होना चाहिए, ये सारा कुछ मैटर करता है। एंड दस ये सारा आपां नू कित्थों मिलेगा, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड द अकाउंटिंग। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट। फिर दूसरा पॉइंट अपने को आ जाता है एनालिसिस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हूँ बेटे, एनालिसिस तुहानू सारयां नू पता है कि हुंदा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नू एनालाइज करना, उन्हां दा विश्लेषण करना कि आपां किवें कर सकदे हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मीन्ड टू द क्लासीफाई एंड द प्रेजेंट डाटा इन सच अ वे दैट इट बिकम यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट। हुण अगर आपां रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो रिपोर्ट्स नू इस तरह तैयार करना, जो भी अपना डाटा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने इस तरह तैयार करना कि मैनेजमेंट उन्होंने ईजीली समझ सके, वो अच्छी तरह समझ आ जाए कि उन्होंने इस तरह प्रेजेंट करना। और द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा इज एक्सप्लेन इन अ नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, हुण देखो, जदों भी अगर एक अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट्स तैयार करेगा, अकाउंटेंट जो भी अकाउंट्स बनाता है, जो उन्होंने अकाउंट्स तैयार होंगे ने, वो एक टेक्निकल वे होंगे ने जिन्होंने हर कोई समझ नहीं सकता, तो उन्होंने एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के कन्वर्ट करना ते और अगे मैनेजमेंट के अगे उन्होंने प्रजेंट करना, दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, हुण इहदे विच आपां बहुत सारे मैथड यूज करते हैं, जिवें कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, दैन रेशोज, ट्रेंड एनालिसिस, ए दीज ऑल आर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हुण हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच पता ही आपां नूं कि जो एक्चुअल डाटा आपां रिकॉर्ड किया है। ठीक है, द सिस्टम रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट डाटा एंड आफ्टर द डेट वैन इट हैज़ बीन इंकर्ड इज नॉन एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब जो एक्चुअली हो चुके है उन्हों आप पहले ही एक्चुअल डाटा कॉस्ट नू रिकॉर्ड करते हैं तो उन्होंने ही हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है। तो ये असी एक्चुअल कॉस्ट नू अपनी रिकॉर्डेड कॉस्ट के नाल स्टैंडर्ड कॉस्ट के नाल कंपेयर करते हैं, जो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो असी कंपेयर करते हैं कि और उस तो आपां नू परफॉर्मेंस का पता चलता है कि जो असी फिक्स किया सी, जो साडी स्टैंडर्ड कॉस्ट सी, कि असी उन्हों अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे, दैट इज़ द हिस्टोरिकल डाटा अकाउंटिंग।
नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल, वेरी इजी पॉइंट बजटरी कंट्रोल. बजटरी उन सबनों पता है कि बजट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बजट प्रिपेयर कर दिए फॉर द फ्यूचर प्लान्स, मतलब फ्यूचर प्लान कर दी है कि आने वाले टाइम के विच उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किवें हैंडल करना है. तो जो बजट होंगे है उहदे लई की बेस रहिंदा है, बजट के लिए प्रीवियस जो अपने अकाउंट रिपोर्ट्स ने वो भी अपने बेस रहिंदियां ने. आपां पुराना डेटा और आपां फ्यूचर प्लान्स दोनों नूं लैके ही अपने बजट्स तैयार करते हैं. ठीक है, द बजट्स आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा एंड द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कि फ्यूचर दे विच की हो सकता है. एक्चुअल परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड एंड कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमिन्ड टारगेट. वो तो उन्होंने वही किया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं असी जो हैगी है उन्हों कंपेयर करते हैं जिहड़ी अपनी पहला तो ही जो डिसाइडेड परफॉर्मेंस होंदी है उहदे नाल, और उसी तो ही अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन दी अचीवमेंट्स का पता चल रहा है. नेक्सट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक टूल है मैनेजमेंट का. ये असं की करते हैं, असं कॉस्ट के एक स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर लें कि इस कि आप इन एडवांस असं कॉस्ट फिक्स कर लें कि किसी भी चीज़ में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट पै सकती है. ठीक है, जो असं एडवांस अपना एक लेआउट फिक्स की है उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट किया जाता है. और स्टैंडर्ड कॉस्ट को असी अपनी एक्चुअल कॉस्ट नाल कंपेयर करते हैं. जो एक्चुअल कॉस्ट नाल कंपेयर किया तो आपको पता चल जाता है कि असी अपनी कॉस्ट जो रखना चाहते सी उन्नी ही है या ज़्यादा आ रही है. अगर ज़्यादा आ रही है तो असी उन्हें सैट करने की कोशिश करांगे. ठीक है, अगर घट आ रही है तो इट मीनस आप होर भी इफेक्टिव काम कर रहे हैं. ठीक है, दैन मार्जिनल कॉस्ट. हुण बेटा तुहानूं मार्जिनल पता ही है कि हुंदा है कि अगर असी टोटल प्रोडक्शन इनक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन दे इनक्रीज होने दे नाल एक्चुअल कॉस्ट विच प्रोडक्शन अगर आप एक ही यूनिट इनक्रीज करते हैं तो वह टोटल कॉस्ट विच जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट. मतलब आप प्रोडक्शन वधाई, प्रोडक्शन वधाने दे नाल एक ही यूनिट वधाने दे नाल अपनी टोटल कॉस्ट विच जिहड़ा चेंज आया वो मार्जिनल कॉस्ट है. ठीक है, तो हमें अपन पता है भी कॉस्ट दो तरह की होंगी, एक होंगे फिक्स और एक होंगे फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट तो साड़ी सेम रहेगी चाहे थोड़ी जी प्रोडक्शन है इनक्रीज हो रही है या उन्नी ही रह रही है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है. ठीक है, तो चेंज कि आता है वेरिएबल कॉस्ट के. तो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आता रीजन होंगे वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्पफुल इन मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइनस ऑफ प्रोडक्शन कि आप किस दे विच ज़्यादा प्रॉफिट लै सकते हैं. डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिवीजन, हर किसी की अलग अलग असी मेयरमेंट करते हैं कि केड़े डिपार्टमेंट दे विच मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या किन्ना दी मार्जिनल कॉस्ट कंट्रोल दे विच है, उन्हों असी एक्चुअल कॉस्ट के नाल कंपेयर करते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन अकाउंटिंग. डिसीजन अकाउंटिंग है बेटा किसी भी काम के लिए डिसीजन लेना, और सारे डिसीजन कौन लेंदी है? मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट नू डिसीजन लेने के लिए बेस की तो लोड़ है, और वो बेस कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्योंकि असी अपने को अल्टरनेटिव चॉइसिस होंदिया ने, अल्टरनेटिवस के असी मतलब बहुत सारे अल्टरनेट्स होंगे जो असी बेस्ट चॉइस करनी होंगी है. तो वो डिसीजन लेना कि काम होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या मैनेजमेंट का. तो मैनेजमेंट उन्होंने हर अल्टरनेट के लिए अपन ऑप्शन प्रोवाइड कराती है जिसे बेस से ये डिसीजन लिते जाते हैं. ठीक है बेटा, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल अकाउंटिंग. हुण कंट्रोल अकाउंटिंग बिल्कुल सेम पॉइंट है जो आप पिछे पढ़ चुके हैं. कंट्रोल अकाउंटिंग दे विच हुंदा है कि अपने सैपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नू कंट्रोल करना. मतलब कंट्रोल अकाउंटिंग इज नॉट अ सैपरेट अकाउंटिंग, ये कोई सैपरेट अकाउंटिंग नहीं है, ये अपनी सारी अकाउंटिंग का एक पार्ट है. बस आप ये की करते हैं कि डिफरेंट सिस्टम हैव देयर डिफरेंट कंट्रोल डिवाइसिस एंड दीज आर यूज इन द कंट्रोल अकाउंटिंग. हर सिस्टम की अपने तरीके ने कंट्रोल करन दे. तां असी बेसिकली की किया जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटरी कंट्रोल का जिहड़ा वे है वो यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट नूं एक्चुअल कॉस्ट नाल कंपेयर करके. और जो आप बजट बनाया है वो बेस से ही असी चैक कर सकते हैं कि आप जो अपना कंट्रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन से सही जा रहा है या नहीं. एंड द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द मैनेजमेंट. और ये पूरा काम कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और उन्होंने कहने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है बेटा, ये थोड़े वीडियो सी थोड़े टूल्स एंड टैक्नीक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो नैक्सट वीडियो बेटा मैं नैक्सट टॉपिक सेंड करूँगी, इन आराम सुनना समझना. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.